दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं आपके लिए इस समय जो है कि बॉटनी का सेगमेंट लेके आ रहा हूं। आप लोगों ने काफी डिमांड किया था। हाँ दोस्तों, एक बात यहीं पर बताना चाहूंगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में जाके अगर वह उसके बारे में बताएंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेके आऊं। तो काफी बच्चों ने कहा था कि सर इसको कंप्लीट करा दीजिए, तो दो टॉपिक और बचे हैं, उसको मैं कंप्लीट करा दे रहा हूं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको रूट के बारे में बताया था, रूट के बाद मैंने स्टेम के बारे में बताया था, और आज जो आपका नंबर है इसे कहा जाता है लीफ। क्या कहा जाता है? लीफ। मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब हमारा हमारा जर्मिनेशन होता है, यानी जब हमारा बीज बनता है, तो दो चीजें होती हैं। एक को कहा जाता है प्रांकुर। क्या कहा जाता है? प्रांकुर। और एक को कहा जाता है मूलांकुर। इतनी बात सभी को पता होगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मित्रों, प्रांकुर से जो बनता है उसी से बनता है तना, और तने के ऊपर क्या लगती हैं? पत्तियां। तने के ऊपर क्या लगती हैं? पत्तियां। दोस्तों, समय के अनुसार कार्य और संरचना के अनुसार, ये पत्तियां समय समय पर रूपांतरित हो जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? तने का रूपांतरण। क्या कहा जाता है? तने का रूपांतरण। किस नाम से जाना जाता है? तने के रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारा लीफ, यानी इसे पत्ती कहा जाता है। पत्ती के बारे में मैं आपको बता दूं, लीफ प्लस स्टेम, यानी पत्ती और तने को हम लोग क्या कहा जाता है? प्ररोह। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शूट। इंग्लिश वर्ड की अगर बात किया जाए दोस्तों, काफी सारे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो रूट और सूट दो चीजें होती हैं। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। और सूट का मतलब क्या होता है? यानी लीफ और स्टेम को जब आप जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सूट। तो इसे सूट के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में? लीफ ना। तो दोस्तों, जो पत्तियां होती हैं, साधारणतया पत्तियां क्या होती हैं? या तने से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? तने। तने की जो पर्व संधि होती है, जिसे इंग्लिश में आप नोड कहते हैं, दोस्तों गौर करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तना यानी स्टेम, तना यानी स्टेम। और इस स्टेम में जहां से पत्ती निकलती है उसे कहा जाता है पर्व संधि। क्या कहा जाता है? पर्व संधि। इंग्लिश में कहा जाता है नोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वनडे एग्जाम के लिए, या आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, कई बार पूछा है, जहां से पत्तियां निकलते हैं उस स्थान को कहा जाता है पर्व संधि। इंग्लिश में कहा जाता है नोड। और दो पर्व संधियों के बीच की दूरी को कहा जाता है इंटरनोड, यानी पर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, लगातार पूछा जाता है, फिर आराम से सुन लो। जहां से पत्ती निकलेगी उसे क्या कहा जाता है? पर्व संधि। क्या कहा जाता है? पर्व संधि। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? नोड। और दो पर्व संधि के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पर्व। याद हुआ होगा भाई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से पत्ती के बारे में, तो जहां ये पत्ती का आखिरी किनारा होता है, अगर कभी भी आप कोई पत्ती तोड़ोगे तो उस पत्ती को देखो, ये जो पत्ती का आखिरी किनारा होता है, इस पत्ती के आखिरी किनारे को हम लोग क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पर्णाधार। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हम कहते हैं पर्णाधार के नाम से जाना जाता है, लीफ बेस। क्या कहा जाता है? लीफ बेस के नाम से जाना जाता है ना, लीफ बेस के नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है लीफ बेस। और ये क्या है? लैमिना। ये क्या है आपकी? लैमिना। इसे क्या कहा जाता है? पर्ण फलक। क्या कहा जाता है? पर्ण फलक। दोस्तों गौर करिएगा, जहां पे पत्ती ये चिपकेगी जाके तने पे, यानी पर्व संधि पे चिपकेगी, उसे कहा जाता है पर्णाधार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीफ बेस यानी बेस बनाएगा ना, और ये है लैमिना, इसे कहा जाता है पर्ण फलक। क्या कहा जाता है? पर्ण फलक ना। तो पर्ण फलक और पर्णाधार के बीच की दूरी को, पर्ण फलक और पर्णाधार के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है पिटियोल। क्या कहा जाता है? पिटियोल के नाम से जाना जाता है, यानी इसे कहा जाता है हिंदी में मेरे भाई, कहा जाता है पर्ण वृंत। पर्ण वृंत, गौर करिएगा सभी लोग ना, यानी यहां से पर्ण फलक से पर्णाधार की दूरी को क्या कहा जाता है? पर्ण वृंत के नाम से जाना जाता है। ये जो लकड़ी डंठल टाइप की संरचना होती है, इसे कहा जाता है पर्ण वृंत, यानी पिटियोल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पत्तियां दो तरह की होती हैं। पत्तियां कितने तरह की होती हैं? पत्तियां दो तरह की होती हैं। एक को क्या कहा जाता है? साधारण पत्ती। एक को क्या कहा जाता है? साधारण पत्ती। और दूसरे को क्या कहा जाता है? कंबाइनल लीफ ना। एक होती है आपकी साधारण पत्ती और दूसरी होती है कंबाइनल लीफ। तो यहां पर अगर मैं बात आप लोगों से करूं, इसे क्या कहा जाता है? पर्ण फलक ना। पर्ण फलक दोस्तों, मैं साधारण पत्ती की बात कर रहा हूं ना, जो सिंपल लीफ होती है,
हरे कलर की संरचना होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं लैमिना, यानी जो एक चौकोर चपटी आकृति होती है जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैमिना, यानी उसे हम कहते हैं पर्णफलक। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं पर्णफलक ना, जिसमें दिखती है पत्ती की झलक उसके कहा जाता है पर्णफलक। इसके अंदर भरा होता है क्लोरोफिल, क्या भरा होता है क्लोरोफिल। पत्तियों के माध्यम से रसारोहण की क्रिया होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों रसारोहण। तुरंत आप लोगों का दिमाग कंफ्यूजन में आ गया होगा कि ये रसारोहण क्या है। रसारोहण का मतलब होता है जो जड़ से खनिज और लवण को अवशोषित किया जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। किसके टिश्यू के द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, रसारोहण। तो ये पत्तियां क्या करती हैं, रसारोहण करने का कार्य करती हैं। पत्तियों का सबसे बड़ा जो एक वर्क होता है भोजन का निर्माण करना, यानी ये जो होता है सूर्य के प्रकाश में पत्तियों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। दूसरा, यह पौधे के टेम्परेचर को बनाने में मदद करती हैं। पत्तियों में पाया जाता है स्टोमेटा, क्या पाया जाता है स्टोमेटा ना दोस्तों। ये स्टोमेटा क्या होता है, ये स्टोमेटा आपका कुछ इस तरीके से होता है, जब पौधे में बहुत ज्यादा पानी होता है तो ये स्टोमेटा खुल जाते हैं ना, जब पौधों में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ये क्या करते हैं, ये स्टोमेटा खुल जाते हैं, और जैसे ही सूखा पड़ता है ये स्टोमेटा क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं ना, ये स्टोमेटा सिकुड़ जाते हैं, जिसके वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। मेरे भाई इसके बाद आपने देखा कि स्टोमेटा किस तरीके से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में ना, किसके बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ यानी पत्तियों का रूपांतरण। तो मेरे भाई पत्तियां वक्त एवं हालात एवं परिस्थितियों के अनुसार पत्तियां अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। जैसे सबसे पहले पत्ती को मैं बात कर रहा हूं, इसे कहा जाता है टेंड्रिल। किस नाम से जाना जाता है भाई, टेंड्रिल। इसे कहा जाता है प्रतान। दोस्तों आपने गांव में लौकी नेनुआ तरोई देखा होगा ना, लौकी नेनुआ तरोई, इसमें पतले पतले स्प्रिंग के समान इस तरह के हरे कलर की संरचना होती है जो किसी से मड़ई पे झोपड़ी पे दीवाल पे छत पे फंसाते हुए चढ़ जाती है। तो इस प्रतान ये जो स्प्रिंग की तरह होता है, बहुत अच्छे से आप जान लो ये क्या है, पत्ती है, या पत्तियों का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, या पत्तियों का रूपांतरण है ना, इसे हम पत्ती के रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। यह पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों अगर पूछेगा प्रतान क्या है, किसका परिवर्तित रूप है, तो प्रतान जो है आपका क्या है, प्रतान है आपकी पत्ती। प्रतान क्या है आपकी, प्रतान को हम लोग पत्ती के नाम से जाना जाता है। ये क्या है आपका, प्रतान। उसके बाद ये प्रतान हो गया ना, इस तरह के स्प्रंग के संरचना पाई जाती है। ये है स्पाइन, यानी इसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कंटक। क्या कहा जाता है, कंटक। ये जो चारों तरफ बबूल में कांटे होते हैं, आप अगर गर्मियों में जाना बबूल के पेड़ को देखना, एकदम उसमें हरे हरे सिंपल कांटे निकले होंगे, उसके अंदर दोस्तों क्लोरोफिल भरा होता है। क्या, क्लोरोफिल। अगर आप कांटे को अगर इस तरीके से करोगे तो कांटा एकदम मूव करेगा, इतना ज्यादा मुलायम होता है, लिक्विड होता है, एकदम हरे, समझ में ही नहीं आता है कि कांटा है कि पत्ती। लेकिन जैसे ही बरसात होता है आप देखते हो कांटा कठोर हो जाता है, क्योंकि पत्तियां निकल आती हैं और इन कांटों का कार्य समाप्त हो जाता है। तो अगर पूछेगा कांटा क्या है, स्पाइन क्या है, तो यह पत्तियों का रूपांतरित रूप है, या किसका रूपांतरित रूप है, पत्तियों का रूपांतरित रूप। इसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कंटक। क्या कहा जाता है, कंटक। ये वाष्पोत्सर्जन की कमी को पूरा करने के लिए आता है। किसकी कमी को पूरा करने के लिए आता है, वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद आप देखोगे ये है पीचर प्लांट, इसे कहा जाता है पर्णधर। किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है पर्णधर। जो पत्तियां होती हैं ना, कुछ पत्तियां पीचर प्लांट की विशेषता देखो यार, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, इसने तो सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो गई कि पकड़ के चढ़ेगी दूसरे के ऊपर, और ये कांटा वाष्पोत्सर्जन की कमी को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टोमेटा कम पाया जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और ये पत्ती का रूपांतरित, इसे पर्णधर या पीचर प्लांट कहा जाता है। ये पत्तियां कुछ इस तरह की दोस्तों खुली रहती हैं, और इसके अंदर जैसे ही कीड़ा जाएगा ये धीरे से इस तरीके से बंद हो जाती हैं और कीड़े को मार डालती हैं। ऐसा क्यों करती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। जैसे नेपेनथीज, कौन दोस्तों, नेपेनथीज ना, थीज,
नेपेनथीज, उसके बाद पर्ण थैली, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा काफी जगह पे, ये क्वेश्चन हमेशा आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जब कोई कीट भक्षी पौधा आता है ना, जब इसके अंदर कोई भी कीट भक्षी पौधा, देखो यार पौधे भी बहुत चालू होते हैं, या इस तरीके का हार्मोन छोड़ता है जिससे कीड़े को लगता है कि इसके अंदर क्या है, मादा, और वह मादा की तलाश में घूमता हुआ भटकता हुआ इसके अंदर आता है, और जब इसके अंदर जाता है तो मादा तो रहती नहीं है, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे ये फड़फड़ाना शुरू करता है और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तुरंत इसके जहां ही कंपन करेगा तुरंत इसका ढक्कन बंद हो जाता है, और इसमें एंजाइम का स्राव होता है जिससे ये कीड़ों का क्या कर देते हैं, डाइजेशन, क्या कर देते हैं दोस्तों, डाइजेशन। तो इसे हम लोग कहते हैं लीफ ब्लैडर। इसका अगर एग्जांपल आप तुरंत पूछोगे तो यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया के नाम से जाना जाता है, यूट्रिकुलेरिया, और ड्रोसेरा, क्या कहा जाता है, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा ना दोस्तों। अच्छा, पत्तियों के बारे में हमने देखा, तो ये दोनों कीट भक्षी पौधे थे, ये ऐसा क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। अच्छा दोस्तों, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, वाष्पोत्सर्जन करना ना, वाष्पोत्सर्जन, या किसके माध्यम से करती है, स्टोमेटा, और ये वाष्पोत्सर्जन की दर किससे नापी जाती है, पोटोमीटर से, किससे नापी जाती है, पोटोमीटर से, किसकी दर नापी जाती है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर नापी जाती है वो पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर नापी जाती है। तो दोस्तों आज आप लोगों के कहने के अनुसार मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया आप लोगों को पत्ती के बारे में जानकारी। दोस्तों मैं यहाँ जो भी आपको पढ़ाता हूँ कंपटीशन को बिल्कुल ध्यान में, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, इलाहाबाद प्रयाग जैसे जगह पे, यहाँ मैंने विभिन्न कोचिंगों में जो है कि क्लासेज ली हैं, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कंपटीशन किस तरफ जा रहा है। तो दोस्तों उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत सारे मित्र, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हमसे जो है कि बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, 87 37 00 59 18 ना, ये आपका प्रयागराज, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, अभी नाम बदला है इसको, हम लोग प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यानी इलाहाबाद। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रयागराज सलोरी में, हमारी कोचिंग चलती है वहाँ पे, आप इस 87 37 00 59 18 ना इस नंबर पे अगर आप संपर्क करेंगे तो आप हमारी ऑफलाइन भी क्लास ले पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो प्रयत्न करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है कि एकदम पर्सनली अटैच में रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं ताकि हम उनका सर्वांगीण विकास करें, तो आपका भी स्वागत है। आप किसी भी एसएससी ना, अगर एसएससी हो, पुलिस हो, एसएससी पुलिस, एसआई, एसएससी पुलिस, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, अगर इस तरह से रिलेटेड यूपी लेवल का कोई भी एग्जाम हो ना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित कोई भी अगर एग्जाम हो, तो उसकी हम लोग बेहतरीन तरीके से कोचिंग देते हैं, ठीक है, और काफ़ी बच्चे सफलता भी अर्जित करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा यह प्रयास सफल लगता है आपको और हमारी मेहनत में आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।